कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज यूपी के सिकंदराबाद में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, जाति और सांप्रदायिकता पर चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि चुनाव को विकास के आधार पर लड़ना चाहिए, कि जो जनता है, जो जनता के मुद्दे हैं वही उठने चाहिए और उन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। जनता जानना चाहती है कि विकास के लिए क्या किया है, क्या सड़कें बनाई हैं, क्या शिक्षा के लिए संस्थान बनाए हैं, क्या आप सेहत की सुविधाएं कहाँ हैं, कैसे हैं, आप बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, ये बातें सुनना चाहती है जनता। और मैं समझती हूँ कि चुनाव इन्हीं पर लड़ा जाना चाहिए। तो मेरा बार बार ये कहना है कि जाति पर आधारित और सांप्रदायिकता पर आधारित चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जनता को जवाबदेह बनाना चाहिए नेताओं को। बार बार मैं ये कह रही हूँ और जहाँ जहाँ मैं लोगों से मिलती हूँ वही कहते हैं। मैं यहाँ आई हूँ, इधर भी कह रहे हैं कि देखिए हम, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार है अगर वो घर पर नहीं आएगा, वो हमसे मिलेगा नहीं, हमारा काम नहीं करेगा, तब हम वोट क्यों दें? हम वोट तभी देंगे जब वो काम करके दिखाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो यही बात मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, जो जनता मुझे बता रही है बार बार, वो मैं बार बार पब्लिक में मैं वही चर्चा कर रही हूँ कि मसलों पर इन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।